बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल बन बैठी को उम्मीद है खरी ना लोसो। तो मैं भी ठीक हूं। तो मैं घर बाहर निकली हूं, मैं के बाहर निकल के तो मैं बन ब्रावन शेयर करनी है, वीडियो बनानी है। तो नाल मैं तो दसनी है मैं किस मकसद वास्ते बाहर आई हूं। तो मैं आई हूं बदे ना साग दो दो तीन तीन वारी भई दियाती है शहरी ने दो दो तीन तीन वारी खा ली है। तो मैं तरस रही हूं साग दे, मेरे बच्चे भी तरस रहे ने। तो मैंने अम्मी के साग खो के लाया, मैं इस वास्ते बाहर निकली, मैं कदू साग तोड़ के लाया। साग में खो आई है साग तो मैंने कदू नजर कोई नहीं आंदा पी है कि कमान गड्डे हुए कि गड्डी हुई है के गंदम गड्डी हुई है। आ है साग ये छोटे छोटे साग है तो पकान का कोई नहीं, गंदल तो है कोई नहीं, जेड़े बिच खो के पकावा वो पट्ठे ही आली खड़े ने ना। तो जेले उन साग वड्डा हो सी तो उस मैं बेनी कि दू भाई कि दू लबदा साग लोता तो है दूर नजर आ रही है, पता नहीं केड़ा साग है पीते वो पोषकित साग बेनी आवे केड़ा साग है। तो मैं तुम पहले बाग दी ख्याल करा लवा, माल्टे दी बाग बिच मैं खलोती हां, मैं तुम ख्याल करनी है बाग। वे वे बाल्टे पे तो देना खूबसूरती बाल्टे लगते पा दिल तो आंदा पी बाल्टे खो लवा, लेकिन खो तो ले सा लेकिन दुबाए जुर्माना बना रखे हुआ है। तो अज मैं ना सुनी आनी है कि बाल्टे लाए आवे, तो बाल्टे खान बहुत दिल कर रहे ने, बहुते मेरे नजदीक है तो मैं खो नहीं सकती पाई। फिर जुर्माना ना होंगे तो मैं नहीं, मैं तो खो के कितने तले पा। दूर दूर ताई माल्टे ने बागे ते दूर तोड़ ताई माल्टे ने बागे पिया ते एस पास से देर अंबा दा बागे तो नो दी सेल करेंगे। जिन्हें जमीन ना हैं पईयां ते माल्टे जिन्हें दी हैं तो बहुत राज राज में आनी है खमदे उस माल्टे ते ए हुन माल्टे दा बाग खत्म हो गया। तो ते अगू शुरू होंदा है दूसरे दा अंब दा बाग शुरू ना ते दरख्त हैं माल्टे लगे उन्हां दे अंबा दे, लेकिन ना ते मौसम कोई नहीं आंदी इस वास्ते ते फल कोई नहीं ता हुन मौसम गर्मी च होंदे ते गर्मी च ना ते फल होंदे। शहर से माल्टे का बाग है तो शहर से अंबा का बाग है, तोड़ता ही अंबा का बाग लगो है ना, तो तोड़ता ही माल्टे का बाग है। साग तो पता करने के पुछते खोने कोई कहता है तो कहता नहीं, मैं चल हाँ मुझे मकसद वास्ते आई है वो तो मैं पूरा करा। मैं झूठे के चक्कर मैं तो भूल ही गई हूँ साग जो मैं तोड़ना, मैं साग पोछते आनी है ना सर गया शोरकोट। ते मैं सार बस सार मेरा कैमरामैन है, ते मैं जेना के तोड़े आप साग खो मिले वीडियो बना हमने सार वीडियो बना रहे, ते मैं जेना झूले लाए तोड़े जे ते मैं हूं चलनी मैं तो साग दा पता करनी जाके। साग तो खलोता हुआ है पी है जेना ते पकावने लई साग है, मैंने छोटे गंदल उत्थे एक अगे सवानी बैठी है ते उस मैनू आखिया बे दिन पोस्ट पोस्ट खो में पोस्ट बिना ना खो में पई ते पोस्ट बिना खो से ते मु गंदे जी बंदे हैं ते हो सकदा हाथ ही ला लड़ना, इस वास्ते मैं डरदी साग कोई नहीं खोया। ते आज मैनू लगदा है मोड़ी आज साग तरसन लपम सी ते कोई चीज घर चल के पकाईने हुण इत्थे ते है कोई ना साग, साग तो खाला लेकिन खोण बंदा कोई नहीं जे को मैं पोस्ट खोवा, लेकिन छोटी जी गंदल तोड़ के देखनी है किस तरह नहीं। साग तो बहुत खूबसूरत है, ये मोटी मोटी गंदल है इसकी, ये देख। लेकिन हूं मैं खो लेंदी हूं तो लेकिन बेस्ती तो चल दी है, मैं नहीं खोंदी पई क्योंकि इतने है कोई ना जिन्हें है जिन्हें बाग उन्होंने साग ही होना है, तो उन्हें माल्टे की इतनी दूरी लाई हुई है पाबंदी की हुई तो साग भी तो होनी है, नहीं तो हर कोई खो लेंदा इतने कि हाथ कोई नहीं पठन में लगो है। चलने गार मैं गंदल कुत्ती तो मैं चक करनी है खा के मिठा तो कौड़ा है तो मिठा सही है।
निकाल आई है घर आ जाओ तो लैके मछली आ गए मैं साग घूमना आई वादिया चल हूं आ जा साग तलबना कोई नी तेन तेना तू ला ते आ सकनी तेरी हिम्मत है कौन जे तू साग खो के आवे ते घर आ जा ते मछली लैके आ गई ते ओ जिहड़ी मछली आई पई ओही मैनूं बनाउण दा वल नहीं आउंदा मतलब गल तां इह ना ते हुण ओह आए थके ना नहीं आनी वी तुसीं मछली बनाओ ला आंदी ने ते मछली खुद ही बनाओ मैनूं तां आंदी कोई नहीं बनाउणी ते घर चलने आ हुण मैं घर ही पहुंच आई हां ते नासर घर आए बैठे मैं लगदा है कावड़े बैठे नासर है तू किधर गई हो साखो गया तू साग लगदा कोई नहीं तू घर आ गया मैं साखो अम्मी है तू लगदा कोई नहीं साग लगदा कोई नहीं साग गई हां मैं खो ए बालन ओए कल्ला साठ के आगे भाई सारे मक्खियां ना बुरड़े पेंदो मां पुत्र तू निकले होया तू आखी ते बालन ओए दे कपड़े ओदे ला बालन दे लथे पेना ओई कपड़े लाई वदा इदे सर पानी वदो है ते मैं सुबह सुबह साग खो सो ता जा कोन वेल पक्के इस वास्ते मैं साग खोने ता उन दे कपड़े पाणे भाई सर्दी बाल दे कल्ला साठ नहीं फवा गई ते नहुण मल्ला ने पीछे बस काम करंदा ही कोई नहीं ਹੋਰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਬਣਾ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਲਟੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੋ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇਖਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖੋ ਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾ ਲਾ ਮੈਂ ਮੁਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਤੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸੰਗਰ ਮਾਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਵੈਸੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਣ ਉਹ ਲਾਇਆ ਮੁਰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਬਣਾ ਵੀ ਦੋ ਏ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਵਦੀ ਉਹਦੇ ਆ ਵੇ ਕੈਮਰਾ ਅੰਗੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਗਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਗਏ ਨਾਲ ਸਾਗ ਖੋਣ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਗਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਦੋ ਕੈਮਰਾ ਅੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਰ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कैसे मेरे बहन भाई उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा बात ये है भाई साग ये लोग लेने गए थे और मैं जो हूँ मैं गया था मछली लेने के लिए वो मछली लेके आया हूँ तो अब मछली बनाते हैं क्योंकि इन्हें तो बनानी नहीं आती मुझे ही बनानी पड़ेगी तो बनाते हैं पता नहीं ये लोग वीडियो ही बना रहे हैं ना तो चले मछली बनाते हैं हमारे साथ रहिएगा। मछली जो है वो मैं धो के आ चुका हूँ ये रही मछली अब इसमें डालेंगे यहीं पर मसाला और मिसाले कौन कौन से हैं वो इसमें ऐड करके आपको दिखाते और बताइएगा भाई मैं सही बना रहा हूँ या गलत बना रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। बेगम को तो वो तो कह रही है भाई मुझे बिल्कुल इसका पता ही नहीं है तो ज़िंदगी में पहली मरतबा हमारे घर में ये चीज़ आई है तो अब देखते हैं भाई कैसी बनती है बार बना रहे हैं देखते हैं कैसी बनती है बारा फ़िलहाल इसके अंदर जो है मिसाले वगैरह वो ऐड करते और मिसाला इसमें नमक मिर्ची हल्दी वो इसमें मिक्स करते। अच्छा इसमें जो है सुर्ख मिर्च नमक हल्दी और मेथी जो है वो इसमें सारी मिक्स पाउडर किया है उसकी हमने डालनी है जी दो चम्मच। ठीक है ये दो चम्मच ये सब चीज़ें मिक्स हैं मतलब मिक्स मसाला मेरे पास मौजूद था मछली वाला जिसको बोलते हैं तो इसकी मैं डालूँगा ये दो चम्मच। ठीक है और इसके अंदर जो है नमक सिर्फ मैंने ऐड करना है और कुछ भी नहीं ऐड करना क्योंकि मेरे पास ये सारे मसाले वगैरह जो है मुकम्मल पड़ा हुआ था। अच्छा उसके बाद मैंने डालना जिसके अंदर सिर्फ नमक ये मेरा तरीका है अब आपका क्या तरीका मुझे नहीं पता और इसमें मैं डालूँगा जी आधी चम्मच जो है वो नमक की और ये इसमें डाल के इसको अच्छी तरीके से जो है हाथों की मदद से इसको मैं मिक्स कर दूँगा। मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए इसको रख दिया जाएगा। ठीक है तो बल्कि इसको इस तरीके से मिक्स करता हूँ नहीं होगा हाथों की मदद से ही होगा मुझे पता चल गया तो ये इस तरीके से इसको मैंने मिक्स कर दिया। लो जी मसाला इसमें अच्छी तरीके से मतलब ऐड कर दिया गया है अब इसमें थोड़ा सा ना वो करेंगे क्या बोलते हैं इसको क्योंकि हम लोग मिर्ची जो है थोड़ी तेज़ खाते हैं तो इसमें मुझे लगता है लाल मिर्च जो है ना कम है तो इसलिए मैं लाल मिर्च भी थोड़ी सी इसमें और ऐड कर दूँगा क्योंकि वो हम लोग लाल मिर्च जो है ना वो हम लोग थोड़ी ज़्यादा खाते हैं। ठीक हो गया इसको अब मज़ीद जो है ना वो इसको मिक्स करूँगा और मिक्स हो जाएगी सारी और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए रख दिया जाएगा ताकि इसके अंदर जो है मसाला जज्ब हो जाए और इस तरीके से जी
ये है जी मेरा तरीका मछली बनाने का, फर्स्ट टाइम, कभी मैंने मतलब ना देखी है कैसे बनाते हैं, ना कभी मैंने सुना है, क्योंकि ये मेरा जुगाड़ है, फर्स्ट टाइम जुगाड़ लगा रहा हूँ जी। घी वगैरह जो है वो मैंने डाल दिया है, और अभी घी और भी डालना है, ये बिल्कुल थोड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें घी मैंने एक चमचा डाल दिया है, और इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं क्योंकि लकड़ियों की आग है, और इसमें देखते हैं कितनी देर लगती है। अच्छा जी, ये हमारा घी जो है वो गर्म हो चुका है, क्योंकि आग बहुत तेज हाथ से निकल चुकी है, और इसमें डालेंगे जी मछली। थोड़ी थोड़ी करके इसको बनाएंगे, क्योंकि जो है फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, और तकरीबन दो मिनट तक एक छह से पकेगी। दो मिनट तक इसको पकाएंगे एक छह से। बच्चे जो है वो मछली के लिए तड़प रहे हैं, और उनकी माँ जो है वो कुछ ज़्यादा ही तड़प रही है मछली के लिए। असल में हमारे पास कढ़ाई नहीं है, ये हमने पतीले में ही बना रहे हैं, और जैसे हमने मछली इसके अंदर डाली थी उस टाइम ये मतलब नीचे लगनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन खुद ही मतलब वो जैसे जैसे वो मतलब पक रही है तो खुद ही नीचे मतलब उसने छोड़ दिया पतीले में ना। अच्छा, ये दो मिनट के लिए एक साइड से हमने इसको मतलब पका लिया, अब इसको हम इसका साइड जो है वो चेंज करेंगे, और बेगम जो है दूसरी तरफ एक बड़ा प्याज जो है वो उसको बारीक कर रही है कुंडी डंडे में, और मैं इसको अब इसको चेंज कर देता हूँ दूसरी साइड। ये मैंने कर दी चेंज, अब इसको मज़ीद दो मिनट इस साइड से पकाएंगे। अच्छा, अब ये दो मिनट के लिए इस साइड से भी हमने पका लिया है, अब इसको निकालेंगे, इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी घी में जो है ना वो हमने एक बड़ा प्याज जो है वो थोड़ा मतलब कि बारीक करके उसके अंदर मिक्स करना है, क्योंकि असल में घी भी ख़राब ना हो और हमारा काम भी हो जाए। इसको थोड़ा ब्राउन कर लेंगे, और इसी के अंदर हमने सारा मसाला डालना है। अब मसाला कौन कौन सा डालना है वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें जो पेस्ट है हमारा लहसुन का, अदरक का, और हरी मिर्च, वो हम इसमें डालेंगे, क्योंकि प्याज जो है वो ब्राउन हो चुके हैं, उसमें पेस्ट डालेंगे, और साथ ही हम लोग इसके इसमें डाल देंगे जी टमाटर। और ये क्योंकि असल में हमारे पास एक और चीज़ भी है जो हमने इसमें ऐड करनी है, और ये आपकी मर्ज़ी की बात है, आप टमाटर डालें चाहे ना डालें, चाहे आप इसमें जो है हम लोग डालेंगे इसमें दही भी, टमाटर के साथ दही भी डालेंगे, क्योंकि हमने बनाना है जी मसाला थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि बच्चे भी हैं और शौक से खाते हैं मसाला। बाकी मछली तो माशाल्लाह हमारे घर में बन भी पहली बार तो रही, उसको अब मज़ीद जो है ना दो मिनट में पकने देंगे। अच्छा, ये बीच में आपको काला काला थोड़ा नज़र आ रहा है, ये काला काला वो जो नीचे मछली हमने तली थी ना वो नीचे थोड़ी सी लग गई थी, तो ये उसका वो हो रहा है, लेकिन उसका कोई वो इशू नहीं है। इसको अब मज़ीद हम लोग इसमें मसाले ऐड करेंगे, और दो मिनट के लिए इसको पकने देंगे, दो मिनट कह रहा हूँ, कम अज़ कम पाँच मिनट पकने देंगे, ताकि मसाला अच्छी तरीके से जज़ब हो जाए। इसके अंदर हम डालेंगे जी मिर्च मसाला, और वो क्या चीज़ है वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले डालेंगे आधी चम्मच हल्दी, और आधी चम्मच नमक का, और उसके अलावा लाल मिर्च, क्योंकि हमने पहले हरी मिर्च भी डाली है, तो आपको मैंने शुरू में बताया था हम लोग मिर्ची थोड़ी ज़्यादा खाते हैं, ये
एक चम्मच हम डालेंगे इसकी क्या नाम उसका लाल मिर्च की, और इसको अब इसके नीचे जलाएंगे आग, इसको हिला के और इसको फिर छोड़ देंगे कुछ देर के लिए ताकि ये अच्छी तरीके से मसाला तैयार हो जाए। ये इसके अंदर अब अच्छी तरीके से मसाला भी वो पक जाएगा इसी के अंदर और ग्रेवी तैयार हो जाएगी। इसको अब ऊपर से ढाँप देते हैं इस तरीके से। अच्छा जी, हमारा मसाला जो है ना वो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जी मछली जो हमने पीस बनाए थे, वो इसमें हम लोग ऐड करेंगे। वो ऐड हम लोग इस तरीके से करेंगे, टूटे नहीं है, मतलब कि आपने प्यार से ही करने हैं। तो मैंने तो जल्दबाजी में की है ना, तो इसको मतलब कि आपने हल्का हल्का मतलब इसमें आपने इस तरीके से मसाला इस पर लगा देना, सारा जितना भी है वो इस तरीके से आपने लगा देना सारा, ताकि टूटे नहीं। ये असल में मेरे पास कढ़ाई नहीं है, वरना मैं इसको टूटने ही ना देता। तो ये इस तरीके से आपने इस पे वो सारा मसाला लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही तली हुई है, वो ख़राब नहीं होगी, मतलब टूटेगी नहीं, जो पहले तली थी उससे ख़राब नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपने एहतियातन जो है वो आपने कर लेना है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मज़ीद 5 से 7 मिनट इसको इसके अंदर जो है पकाएंगे, और हल्का सा इसके अंदर पानी भी डाल देंगे ताकि जो है वो हर चीज़ मिक्स हो जाए। इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। अब इसको मज़ीद जो है ना वो 5 मिनट के लिए रख देंगे पकने पे। उसके बाद जो है ये आपका मछली जो है वो तैयार है। ये बहुत अच्छी, इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी, अभी से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो हम लोग बनाते हैं, हम लोग क्या मतलब मैंने बनाई है फर्स्ट टाइम ऐसी, और खुशबू से पता चल रहा है कि अच्छी बनी है। बाकी मज़ीद जो है वो आप बेहतर जानते हैं कि मैंने सही बनाई है या नहीं बनाई। तो बहरहाल इसको मज़ीद रखेंगे जी 5 मिनट के लिए पकने पे। हमारी मछली जो है वो इस टाइम तैयार हो चुकी है, मसाला भी बहुत अच्छा बन चुका है। मज़ीद आपको नज़दीक करके दिखाऊँ, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बनी है। बाकी आप देखें, आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता। तो बहरहाल मेरी मछली हो गई तैयार। तो ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है, और मछली भी बहुत प्यारी बनी है माशाल्लाह जी। अल्लाह पाक मुझे मज़ीद तरक्की अता फरमाए मछली पालन बनाने की। तो माशाल्लाह जी ज़बरदस्त हो गया जी, बहुत अच्छी मछली तैयार हमारी हो चुकी है जी। और उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।